आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, हमको सवाल कर रही है, चोर कर रही है आप लालू यादव को? नहीं, हम डरते नहीं है, डराते हैं। देखिए यहाँ पर रोड का स्थिति देख सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची है, मात्र 8 साल की है और आवाज भी उठा रही है, सब किसी से लड़ रही है और किसी से भी नहीं डर रही है, देख सकते हैं। तो लालू यादव तो चर्रा चोरा है, गरीबों को हक मार कर खाते हैं और जसवी यादव नवाब फैला है, तो नवाब फैला है तो सरकार क्या चलाएंगे? और तो पैसा दिया आपको बोलने के लिए? नहीं, हमको कोई पैसा नहीं दिया है। हाँ। हम अपने से बोल रहे हैं, हम उसके सब्जी से बोलते है इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। जसवी यादव तो नवाब फैला है और यही विकास कराए हैं, फोकस कर यही विकास कराए हैं मेरा गाँव में। कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, कोई भी विकास नहीं हुआ। मेरा सोच है विधायक भी बनने के लिए। अच्छा, विधायक बनिएगा? जी। कौन कह रहा है दारू बंद है? आपको कितना चाहिए दारू? कितना चाहिए दारू? अब हम अभी गांव के बगल से मंगा देंगे, कितना जितना चाहिए दारू जी मंगा देंगे, जितना चाहिए उतना दारू। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है वायरल गर्ल पिंकी, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल चल रही है, रोड के लिए आवाज उठा रही है, नाला के लिए आवाज उठा रही है और सरकार का विरोध भी कर रही है, जो विकास नहीं हो रहा उस पर आवाज उठा रही है। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? पिंकी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 4 क्लास पढ़ते हैं। 4 क्लास में पढ़ती हो? आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी काम करवाते हैं, बिजनेस करते हैं। अच्छा, आप सोची थी कि वायरल हो जाएंगे? जी, हम नहीं सोचे थे, मनीष का सब्जी जब जेल में चला गया है ना। हाँ। इसलिए हम वायरल हो गए। अच्छा, मनीष कश्यप जी को कब से जानती है? 7 साल से जानते हैं। 7 साल से जानती हो? और उनका वीडियो आप कहाँ पर देख रही थी? अभी पब्लिक पर देख रहे थे। अच्छा, नेट पर देख रही थी वीडियो उनका। तो उनका वीडियो आप देख रही थी, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? ये चल रहा था कि निर्दोषी को जेल में क्यों डाला गया, इसलिए मीडिया लाने लगे हमने पास। अच्छा, कौन मनीष कश्यप को जेल में डाला है? जसवी यादव, लालू यादव ने डाला गया है। अच्छा, लालू यादव और तेजस्वी जेल में डाले हैं मनीष कश्यप को? जी। कैसे? कैसे कि सच्चाई को दिखाते थे मनीष के सब्जी, इसीलिए जेल में डाला गया है। लोग कह रहे हैं मनीष कश्यप चोर है, आप कह रहे हैं सच्चाई दिखाते थे इसीलिए जेल गए? जो गलत काम करते हैं ना उसको जेल में नहीं डाला जाता है, वही सब कह रहे हैं मनीष के सब्जी अच्छा नहीं है इसीलिए। जी, जो लोग विरोध कर रहे हैं मनीष कश्यप जी का, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि वो विरोध नहीं है, किसे अच्छा है काम करते हैं, वो अच्छा सच्चाई दिखलाते हैं। अच्छा, अच्छा सच्चाई दिखलाते हैं। जी। भेंट हुआ था मनीष कश्यप से? नहीं, अभी भेंट नहीं हुआ है। हाँ। जी, लालू यादव को जानते हैं? जी जानते हैं। कौन है? लालू यादव चारा चोरा है। चारा चोर है लालू यादव? जी, चारा चोर है। बिहार में पूरा बिहार विकास किया है, लालू यादव को चारा चोर कर रहे हैं। क्या विकास हुआ है मेरे गांव में? नल में जल नहीं आ रहा है। हाँ। और रोड है जो उस पर ईटाई बिछा को हम लोग को मरने के लिए। हाँ। छोड़ दिया गया है, उस पर प्लास्टर ही नहीं हुआ है। आप ही लोग ना वोट देते हैं? जी, लालू यादव को, तेजस्वी को, नीतीश कुमार को वोट इसीलिए दे है की हमारे गाँव में विकास होगा, मतलब हमारे गाँव में कुछ विकास नहीं हुआ है। अच्छा जी, लालू यादव को आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे लालू यादव को, अगर मनीष कश्यप को नहीं निकला जाएगा तो हम लोग सब वोट नहीं देंगे। अगर तो मेरा नाम वोटर लिस्ट से नहीं होगा, मैं जानती हूँ, मतलब जितना भी महिलाएं हैं उसे हम वोट नहीं दिलवाएंगे, और मनीष कश्यप को भी निकलवाया जाए। और जसवी यादव तो नवाब फैले हैं तो उसको तो सरकार क्या चलाने आएगा, और उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, क्यों बनाया गया है? हम जो बनाए उससे भी हम इंटरव्यू अगर आएंगे लेने तो हम देंगे। और लालू यादव जरा कीजिएगा जी, और लालू यादव भी जरा पढ़े लिखे हैं तो अपने बेटा को समझाने के कृपया करें, कैसे बेटा को उनका नहीं आता है सरकार चलाने। अच्छा, सरकार चलाने नहीं आता? नहीं आता है। आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, हमको सवाल कर रही है, चोर कर रही है आप लालू यादव को? नहीं, हम डरते नहीं है, डराते हैं। डराते हैं? जी। किसको डराते हैं? किसको डराते हैं? जो अच्छा काम नहीं करते हैं तो कहते हैं डर कर रहना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, क्यों नहीं करते हैं? बिहार में कितना विकास हुआ है और आपके गांव में कितना हुआ है? हम बिहार में भी विकास नहीं हुआ है, और विकास बिहार में भी विकास नहीं हुआ है और गांव में भी विकास नहीं हुआ है। जी, मनीष कश्यप को आप क्या कहना चाहेंगे? मनीष कश्यप के लिए आप क्या क्या करने वाली आगे चलकर हम 10 से 11 साल होंगे तो हम पत्रकारी करेंगे, पत्रकारी के बाद मेरा सोच है विधायक भी बनने के लिए। अच्छा, विधायक बनिएगा? जी। विधायक बनकर पहला आप क्या काम कीजिएगा? पहला ही करेंगे, गांव में विकास करेंगे। ये कैसे इधर के विकास, विधायक जो विकास नहीं कराते हैं। अच्छा, विकास नहीं होता आपके गांव में? नहीं, नहीं होता है। हाँ। जी,
तेजस्वी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिसवी को ही कहेंगे कि नवा फिर को सरकार नहीं चलाना आता है, मत अपना कुछ बाप से सीखी है, वही तो चारा घोटाली करता है, कुछ मनीष कश्यप से सीखी है। अच्छा, मनीष कश्यप से सीखने लिए सीखी है कि कैसा सरकार चलाया जाता है कैसा नहीं चलाया जाता है। हाँ, जी। नीतीश कुमार बिहार में कितना विकास कर रहे हैं? एक भी विकास नहीं किए हैं, एक भी विकास नहीं किया, नहीं एक भी विकास नहीं किया है। नल में जल नहीं आ रहा है, जो रोड भी टूटा है। कैमरा में फोकस करिए, दिखाइए कैमरा में, इधर दिखाइए, देखिए यहाँ पर लड़की जो है दिखा रही है। बंद है अभी, ये बंद है और इसको नचाए तो ये खुला है, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, नहीं। और रोड पे भी फोकस करिए, सरकार भी देखिए विकास नहीं करा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सरकार जो है कहती है बिहार में बाहर है नीतीश सरकार है। और देखिए यहाँ पर रोड का स्थिति देख सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची है मात्र 8 साल की है और आवाज भी उठा रही है, सब किसी से लड़ रही है और किसी से भी नहीं डर रही है। देख सकते हैं इनका जोश है, जुनून देखिए।